पॉलिटिक्स आप सीखे किससे मुखिया जी? चार चार बार मुखिया रहना, फिर आपको बता दें कि विधायक का भी चुनाव लड़ी है। 2020 में विधायक के भी चुनाव लड़े हैं। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है मुखिया जी? पढ़े लिखे भी है ना? हाँ, इंटर पास है। चुनाव में लड़ रहे हैं तो वो अपना राजनीति अपना करेंगे। जो मैं राजनीति किए हैं मुखिया में, सेवा देने की काम किए हैं, मेरा लक्ष्य वही रहेगा। 30 गो भैंस दिलाए सेंट्रल बैंक से, और खूब काम किए। चार बार आप मुखिया बने, ऐसा का काम किया कि बार बार आपको जनता चुनती है? जनता पर मेरा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि मेरा चुनाव जीतावे। जो हमारी बेटी जा रहा है नालंदा कॉलेज और बिहार कॉलेज जा रहा है, वो राजगीर में होना चाहिए। नगर परिषद का विकास कैसे करेंगे? नगर परिषद के विकास सबसे पहले साफ सफाई होना चाहिए। पंचायत में सेवा दिए हैं और सारी नगर परिषद की जनता को मैं सेवा देने के लिए तत्पर रहेगी। पसंद हुआ कि ये तो मुखिया लायक है, फिर ने 2006 से लगातार हम मुखिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में, और हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं महिला, ये कोई आम महिला नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हर एक सभाओं में, और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ बैठे हुए जो महिला हैं वो पिछले 4 टर्म से मुखिया बन रही हैं। उसके पहले 2000 से लेकर के 2005 तक के वार्ड सदस्य रहीं, और अभी नगर परिषद का चुनाव चल रहा है राजगीर में, और जहाँ जहाँ भी क्या बोलते हैं कि छूट गया था नगर परिषद का चुनाव होना, वहाँ वहाँ पुनः नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। अब इनका जो पंचायत था, पहले पंचायत था, अब इनका जो पंचायत है नई पोखर, वो नगर परिषद में क्या बोलते हैं कि मिल गया, उसको टर्म क्या बोलते हैं मर्ज कर दिया गया। अब इनके मन में सवाल उठा कि हम पंचायत का तो खूब विकास किया, स्वाभाविक सी बात है कि चार बार कोई ऐसे मुखिया बन नहीं जाएगा हवा फेंक करके। जनता के लिए स्वाभाविक सी बात है कि काम की होंगी तभी चार बार लोगों ने इनको चुना है। अब नगर परिषद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, बड़ा कार्य क्षेत्र है, बड़ी जिम्मेवारी है, तो उसको कैसे निर्वहन करेगी, और क्या मन में बात आया कि पंचायत को छोड़ करके नगर परिषद का रुख कर ली है? मुखियान जी, सबसे पहले स्वागत रहेगा हमारा चैनल आपकी चैनल के। मेरा तरफ से स्वागत है कि आज मेरे दर मने निवास पर आए हुए हैं, आपका भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा मुखिया जी, सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि चार बार मुखिया कैसे कैसे जनता का विश्वास जीते कि चार बार आपको मुखिया ने जनता क्या बोलते हैं कि जनता ने मुखिया बनाया? सबसे पहले 2001 में मैं वार्ड सदस्य निर्विरोध चुना गई है। निर्विरोध चुना गया 4 नंबर वार्ड से। हाँ। उस टाइम में जनता को बहुत सारे गली नली और 30 गो भैंस दिलाए सेंट्रल बैंक से। हाँ। और खूब काम किए तो जनता बहुत पसंद हुआ कि ये तो मुखिया लायक है। हाँ। फिर ने 2006 से लगातार हम मुखिया। हाँ। में आए हैं, जनता मेरा विश्वास किया और जनता को मान प्यार मेरा मिला। नई पोखर पंचायत की जनता के मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि चौथी बार मुखिया पर मेरा आसीन रखा, इसके लिए उनके दिल से हमें प्रणाम करते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि फिर से उनका चरणों में मैं बसे रहे। नगर परिषद में लिया गया है तो अब नगर परिषद की जनता के सेवा देने के लिए मेरा मन में एक सवाल आया है, जिससे मैं उनका भी जैसी पंचायत में सेवा दिए हैं और सारी नगर परिषद की जनता को मैं सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे, मान प्यार वैसी और उनको दिल में बसे रहें। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए हमको कि चार बार आप मुखिया बने, ऐसा का काम किया कि बार बार आपको जनता चुनती है? काम हम क्या किए, जो सरकार से लाभ मिला वो जनता तक पहुंचाए हैं और हर समय तत्पर रहे हैं। जब भी ने जनता मेरा खोजा है मैं उनके निवास पर ही, जब भी जहां मेरा लगाया गया है, जहां मैं उनके काम मतलब कि जनता के एक आवाज़ पे मुखिया जी हाजिर। हाँ, चाहे शादी हो, चाहे उनके घर में श्राद्ध हो, छठियारी हो या घरेली हो, सारे कार्यों में रहें, जब भी दुख सुख में मेरा याद किया है सब घड़ी उपस्थित हूँ। अच्छा, पंचायत का तो अब विकास कर लिया आप,
जैसा कि बोल रहे हैं कि 4 वर्ष से मुखिया हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किए, अब नगर परिषद में आप आए हैं, ऊपर से राजगीर नगर परिषद नीतीश कुमार का सबसे लोकप्रिय जगह, नगर परिषद का विकास कैसे करेंगे? नगर परिषद के विकास सबसे पहले साफ सफाई होना चाहिए, और जो सफाई कर्मी है जो रोड पर रह रहा है उनका आवास होना चाहिए सबसे पहले। जो आज दुकान के हमेशा डोजर से ध्वस्त किया जा रहा है और वो लोग लॉकडाउन से अभी तक नहीं पनपा है, तो उनको दुकान बना के दिया जाए, जो कि वो लोग स्थिर कहें मने दुकानदार में दुकान मने दुकान खोल स्थाई दुकान स्थाई रह करके वो अपने रोजी रोजगार को आगे बढ़ावें। और हमारा मांग है कि राजगीर में महिला कॉलेज होना चाहिए, जो हमारी बेटी जा रहा है नालंदा कॉलेज और बिहार कॉलेज जा रहा है वो राजगीर में होना चाहिए, अब उसको सुरक्षा होना चाहिए। जैसे कि राजगीर इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, इंटरनेशनल पर्यटक यहाँ पे आते हैं, विदेशों से पर्यटक आते हैं, तो नगर परिषद का और क्या दायित्व बनता है कि उनको सेवा दिया जाए? हाँ, सेवा दिया जाए और उसको सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है नगर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं और जो भी मतलब कि कर्मी होते हैं जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उनको कैसे सुविधा दीजिएगा? उसको हम लोग सुरक्षा देंगे, जिसे हम लोग का जिसे प्रशासन है और हम लोग का जनता मिल करके उनको सुरक्षा मुहैया करावेंगे। अच्छा, प्राथमिकता क्या होगा मुखिया जी आपका, जैसे कि अगर जनता ने चाहा और आप नगर परिषद का चेयरमैन बन जाती हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? हम तो बोले ना कि सबसे पहले पूरे नगर परिषद के साफ सफाई होगा। कई एक जगह में अभी घर घर वर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं जनता के बीच में, तो आज ही 15 नंबर वार्ड में गिए तो उसका 1 तारीख का शादी है बच्ची का, पूरा रोड पर नाली बह रहा था, तो वो हमसे आरजू किए कि मैडम बच्ची के मेरा शादी है, इसका हमको साफ करा दे। तुरंत हम लोग फ़ोन किए, जो सफाई कर्मी है आकर के तुरंत उनको सुखा दिया, साफ किया, तो वो लोग विश्वास किया मेरे ऊपर कि हमको 10 मिनट में यह काम मुखिया जी कर दिए हैं। हाँ, तुरंत साफ कराए उसके, अभी जगह पर देखिए जाके साफ सुथरा हो गया। मतलब कि पॉलिटिक्स आप सीखे किससे मुखिया जी? 4-4 बार मुखिया रहना, फिर आपको बता दें कि विधायक का भी चुनाव लड़ी हैं। हाँ, 2020 में विधायक के भी चुनाव लड़े हैं। तो ये राजनीतिक का जो गुण है, राजनीतिक का जो एजुकेशन है, कहाँ से ग्रहण की है? हम लोग चुनाव जीते हैं तो घर में नहीं कभी बैठे हैं, दिन में कभी सोए हैं नहीं, रात में भी भर नहीं सोते हैं। अगर कोई 12 बजे फोन कर देगा मुखिया जी थाना जाना है, मेरा ऐसा समस्या आ गया, तो हम तुरंत गाड़ी उठाते हैं, ड्राइवर रहे चाहे नहीं, मेरा बेटा दूध को गाड़ी चलाता है, तुरंत गाड़ी लेके, नहीं हम देखते कि ये रात है या ठंडी है या गर्मी है। अच्छा, सर रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदियों को क्या कहेंगे? चुनाव में लड़ रहे हैं तो वो अपना राजनीति अपना करेंगे, जो मैं राजनीति किए हैं मुखिया में सेवा देने की काम किए हैं, मेरा लक्ष्य वही रहेगा। जो पंचायत का विकास किए हैं वैसे क्या बोलते? बस सेवा ही, मेरा सेवा करने के लिए जनता मेरा चुनेगा, यानी घर में मेरा कुर्सी पर ही आराम करने के लिए नहीं चुनेगा, उनके सेवा के लिए मैं आई हूँ। अच्छा, मतलब कि जनता को मुखिया जी के पास ना आना पड़े, मुखिया ही जनता के पास। जी जी, जहाँ बुलाएगा मैं हाजिर रहेंगी, बस। अच्छा, युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा? युवाओं के लिए जो रोजगार होगा उसको मुहैया करावेंगे, नगर परिषद में जो होता है रोजगार, वह जो बेरोजगारी है उसके लिए रोजगार मुहैया करावेंगे। अच्छा, क्या बोलते हैं कि आपके नगर परिषद में कुंड भी है? हाँ, ब्रह्म कुंड है, क्या बोलते हैं कि इधर 2-3 कुंड, सूर्य कुंड है, तमाम प्रकार के कुंड है, वहाँ पे गंदगी बहुत रहता है मुखिया जी। बोल दिए ना सबसे पहले कि सबसे पहले पूरा नगर परिषद के साफ सफाई होगा, सबसे पहले प्राथमिकता आपका साफ सफाई, पहले साफ सफाई होगा। नगर परिषद के जब चेयरमैन बनेंगे तो जिनके लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिनके लोगों से घर का पानी का निकास नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है, करावेंगे हम तो। कह दिए ना कि अभी हम एक बार में करा दिए तुरंत, बिना कुछ रहे हुए। हाँ, हम नहीं, अभी कुछ नहीं है, और हम देखिए वहाँ साफ सफाई करवा दिए। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है मुखिया जी? पढ़े लिखे भी है ना? हाँ, इंटर पास हैं। अच्छा, इंटर पास हैं और 4 बार मुखिया रहे? हाँ, मतलब कि कोई ये भी सवाल नहीं उठा सकता है कि मुखिया जी पढ़ा लिखा? हाँ। अच्छा, जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या बोलते हैं मुखिया जी, कि सरकारी स्कूल है, नगर परिषद में बहुत सारा सरकारी स्कूल भी होगा आपका,
ठीक है, मास्टर साहब जखनी मनाता उखनी चल भी जाते हैं, उन लोगों पे कैसे विराम लगाइए? नहीं, मेरा जितने शिक्षक है उसको बढ़िया शिक्षा मिलना चाहिए, तो शिक्षा नहीं मिलेगा तो मेरा भारत को कैसे पिलर बनेगा? मतलब कि यहाँ के जो बच्चे हैं नगर परिषद के, उन सभी को शिक्षा मिलना, शिक्षा एकदम बढ़िया शिक्षा मिलना चाहिए, जो कि आगे मेरा भविष्य वही है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, अपने नगर परिषद के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नगर पंचायत के जितना भी जुड़े हैं पहले से जो नगर पंचायत में है, और जो नए जुटे हैं, सभी का हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम नमस्कार आदाब करना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्यों आपको वोट दे जनता? जनता से हम कह रहे हैं कि जनता मेरा सेवा करने की मौका दे, उनको सेवा करेंगे। सेवा करने, जैसे कि पंचायत में सेवा किए हैं 20 वर्ष, हाँ, वैसे नगर परिषद उसी तरह से जनता के हम नगर परिषद में सेवा देंगे। जनता पे कितना विश्वास है मुखिया जी को? जनता पर मेरा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि मेरा चुनाव जितावेंगे। जनता पे विश्वास है कि चुनाव जितवावेंगे? हाँ। देखिए, हमारे साथ मुखिया जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दिए, और इनका कहना है कि जब हम नगर परिषद के चेयरमैन बन जाते हैं तो जिस प्रकार नई पोखर पंचायत का विकास किए हैं, जिस प्रकार नई पोखर पंचायत में विकास का गंगा बहाएं, उसी प्रकार पूरे नगर परिषद में विकास का गंगा बहाएंगे। अब इनको जनता पर विश्वास भी है, बता रहे हैं कि हमको जनता पर पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको चेयरमैन बनाएगी। अब वो तो वक्त बताएगा कि मुखियान जी नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं कि नहीं। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।